हेलो फ्रेंड, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास टेंथ के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का न्यू टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्लास टेंथ में हम 5 स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। यदि हम एंगल ए को 45 डिग्री ले लें तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। और जैसा कि आप क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यदि हम इसको ए बी को ए मान लें तो बी सी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए बी की वैल्यू क्या है, ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू भी क्या है, ए। ओके, दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया 2 ए स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए सी इक्वल टू हमें मिल गया रूट 2 ए। ओके, अब आप आसानी से एंगल 45 के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं 45 डिग्री। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, 45 डिग्री है। हम दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। दोनों केस में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आइए एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन थीटा हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, साइन 45। साइन 45 क्या होता है, सॉरी, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड क्या है, ए बाय हाइपोटेन्यूस रूट 2 ए। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं ए और ए कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 1 अपॉन रूट 2। ओके, अब चलते हैं कॉस 45 डिग्री। ओके, कॉस 45 क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप देख सकते हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी, ए बी की वैल्यू ए अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट 2 ए। यहां पर ए ए कैंसिल, यहां भी आपका क्या मिल गया, 1 अपॉन रूट 2। टेन 45, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यदि आप 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2 कीजिएगा तो भी 1, और नहीं तो आपको यह भी पता होगा टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड भी ए है और एडजेसेंट साइड क्या है, वो भी ए है। यहां पर कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। कॉसेक 45, जैसा कि आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कॉसेक 45, ये आपका साइन 1 बाय रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। ओके, सेक 45, ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है, कॉस का आप देख सकते हैं क्या वैल्यू है 45 का, 1 अपॉन रूट 2, तो कॉसेक 45 हो जाएगा रूट 2। ओके, कॉट 45, जैसा कि आप देख सकते हैं टेन 45 1 है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए अब हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें आपको पता है कि सभी एंगल इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 60 डिग्री होता है। यदि हम वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट है ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी क्यों कंग्रुएंट है, आप देख सकते हैं ये आपका आर एच एस से है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड आपका ए डी। ओके, बाय आर एच एस लिख सकते हैं आप, आर एच एस कंग्रुएंट
क्राइटेरिया, ओके, ये आपका आर एच एस कन्वेंट क्राइटेरिया से कन्वेंट है, ओके। और आप देख सकते हैं ये दोनों कन्वेंट हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया और बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड को 2a माने तो ऑल साइड क्या हो जाएंगे 2a, तो बी डी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा a, और डी सी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा a, क्योंकि ये आपका टोटल लेंथ 2a था, जब ये आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये बी डी a हो गया और डी सी भी a हो गया, ओके। अब आप आसानी से ए डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ओके। दिस इंप्लाइज ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 2a, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू a, a स्क्वायर, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमें ये मिल गया ए डी स्क्वायर, ओके। दिस इंप्लाई ए डी कोटो में क्या मिल गया रूट 3a, ओके, ये आपका 3a स्क्वायर है, ये हमें क्या मिल गया ए डी इक्वल टू रूट 3 ए। अब आप आसानी से 30 डिग्री और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हम 30 डिग्री, आप ये ट्रायंगल लें या ये ट्रायंगल, दोनों केस में सेम ही आएंगे, तो हम 30 डिग्री पे बात करते हैं, साइन 30 डिग्री, ओके। जैसा कि आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस या अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री के सामने अपोजिट साइड कौन सा है, बी डी, बी डी की वैल्यू ए बाय हाइपोटेन्यूस ए बी यानी कि 2a, हमें क्या मिल गया ए ए कैंसिल, मिल गया आपका 1/2। कॉस 30 डिग्री की बात करते हैं, आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, 30 डिग्री के 30 डिग्री के एडिशन साइड कौन सी है, एडी, एडी की वैल्यू क्या है रूट 3a, तो ये आपका आ गया रूट 3a बाय हाइपोटेन्यूस 2a, ये कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया रूट 3 बाय 2। टेन 30 डिग्री, टेन क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, 30 डिग्री के सामने अपोजिट कौन सा है बी डी, बी डी की वैल्यू ए और एडजेसेंट साइड कौन सा है रूट 3 है, यहां पर ए ए कैंसिल, ये मिल गया हमें 1/√3, ओके। और जैसा कि आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, तो ये आपका 1/2 है तो ये 2, ये रूट 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये आपका 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा √3/1, इट मीन्स √3, ओके। आइए अब हम 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की बात कर लें, जैसा कि आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीडी में ये आपका 60 डिग्री है, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 60 डिग्री के सामने वाला एडी क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस एबी, तो इसकी वैल्यू रूट 3 ए बाय हाइपोटेन्यूस 2 ए, ये ए कैंसिल, मिल गया हमें रूट 3 अपॉन 2। कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में बीडी क्या है बेस है और हाइपोटेन्यूस ए बी है, बीडी की वैल्यू ए और हाइपोटेन्यूस 2 ए, ए कैंसिल, हमें मिल गया 1/2। टेन 60 डिग्री, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर एडी, एडी की वैल्यू रूट 3 ए बाय बेस ए, ये हमें मिल गया रूट 3। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, जैसा कि आपको पता है कॉस थीटा साइन थीटा का क्या होता है रिसिप्रोकल होता है, ये आपका रूट 3/2 है तो ये मिल जाएगा हमें 2/√3, ओके, 2/√3, ये आपका 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये रूट 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये हमें मिला 2/√3।
ओके। आइए अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि हम एंगल ए को डिक्रीज करते जाएं तो लेंथ ऑफ बीसी वो भी डिक्रीज होगा। यदि हम एंगल ए को डिक्रीज करके यहां तक ले आए तो लेंथ ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिक्रीज करते हुए एंगल ए को 0 डिग्री के करीब ले आए तो लेंथ ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, वो भी 0 के करीब होगा। यदि हम एंगल ए को डिक्रीज करते हुए 0 पर ले आए तो लेंथ ऑफ बीसी क्या होगा, वो भी 0 के करीब होगा। और ये आपका जब एंगल ए 0 हो जाएगा तो लेंथ ऑफ ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसको फिर से समझिए, यदि हम एंगल ए को डिक्रीज करते हुए 0 के करीब ले आते हैं तो लेंथ ऑफ बी सी भी लगभग 0 हो जाएगा और ए सी ए बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए सी क्या हो जाएगा, कॉइंसाइड हो जाएगा, ओके। तो अब आप आसानी से साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू बता सकते हैं, ओके। तो आइए पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस एसी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका बीसी, बीसी की लेंथ, एंगल ए 0 हो जाए तो बीसी की लेंथ 0 बाय हाइपोटेन्यूस एसी, ये हमें क्या मिल गया, 0, ओके। कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस आपका एंगल ए के रेस्पेक्ट में ए बी बाय हाइपोटेन्यूस। जब एंगल ए 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूस ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो हम ए सी की जगह ए बी लिख देते हैं तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, ओके। टेन 0 डिग्री, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका 0 बाय बेस ए बी, ये हमें मिल गया 0। कॉसेक 0 डिग्री, जैसा कि आपको पता है साइन थीटा का ये आपका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये 1 क्योंकि 1/1 1, और ये आपका 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड, ओके। आइए अब हम 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि हम एंगल ए को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मान लीजिए हम एंगल ए को इंक्रीज करते हुए यहां तक लिया है तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि हम एंगल ए को बी पर ले जाएं तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यदि हम एंगल ए को 90 डिग्री के करीब ले जाएं तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए सी। लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू ए सी। फिर से समझिए, यदि हम एंगल ए को इंक्रीज करते हुए 90 डिग्री तक ले जाएं तो लेंथ ऑफ ए बी जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए कोइंसाइड हो जाएगा एट बी पर, ओके। आइए अब हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू को देखते हैं। साइन 90, जैसा कि आपको पता है एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी बाय ए सी, तो हो गया आपका बी सी बाय, जब एंगल ए 90 डिग्री है तो बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो ए सी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, हमें क्या मिल गया, 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस आपका ए बी, ए बी की वैल्यू 0 बाय हाइपोटेन्यूस ए सी, ये हमें क्या मिल गया, 0। टेन 90, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका बी सी है बाय बेस 0, इट मींस अनडिफाइंड। कॉसेक 90, साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1 हो जाएगा, 1/1 1। सेक 90, सेक 90 इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका 1/0 मींस
अनडिफाइंड, cot 90 क्या होगा, जीरो। हम अगली वीडियो में इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के ऊपर बात करेंगे। ओके।